गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आरब ब्लॉग। और ये हूँ मैं जो कि अभी खड़ा हूँ मड जेटी में। मड मुंबई के ही अंदर एक आइलैंड है जहाँ पर शूटिंग वगैरह भी होती है और लोग भी रहते हैं। तो अभी यहाँ से फेरी ये जो चलती है, बीच में नदी है, तो फेरी की मदद से हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। तो आज हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं घूमने के लिए। मेरे साथ है रोहित और गूंज और फयाज भी हैं। तो हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं दूसरी तरफ मठ के गाइस, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई ब्रिज वगैरह नहीं है, तो इन्हीं सब नाव, इनको फेरी कहा जाता है, इसी की मदद से दूसरी तरफ जाया जाता है। और आप देख लीजिए कितनी यहाँ पर इसमें भीड़ रहती है। ये सामने दूसरी फेरी जा रही जो इस तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रही है और हम दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आना जाना होता है मड में। और भाई बातों ही बातों में हम लोग पहुँच गए दूसरी तरफ। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ यहीं पास में ही, एक गांव है वहीं पर, और रोहित को कुछ सामान लेना था तो मेडिकल स्टोर गया हुआ है, उसी का वेट कर रहा हूँ। इसको बालों के लिए जेल वगैरह लेना था, तो मिला कि नहीं मिला पता नहीं, अभी देखते हैं। मिल गया क्या? मिला, ओके। ये कौन सा एरिया है? ये मड फोर्ट का एरिया गाइस, ये देखो। और क्या लग रहा है, आसमान तो लग रहा है, बस यही है। आज वैसे मौसम भी कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा है, आप देखो बिल्कुल खुला खुला मौसम है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सब फिशेज हैं जिन्हें पक्षी खा रहे हैं। छोटी छोटी फिशेज यहाँ पर पड़ी रहती है जो मछुआरे लेके आते हैं। गाइस ये जो बादल है ये कुछ कुछ तो शेप बना रहा है। क्या शेप है आप लोग मुझे बताना। ये बादल क्या शेप बन रही है इस बादल की, आप मुझे बताओ क्या है। उधर जाने नहीं मिलेगा उस साइड में। आ रहा हूं मैं भी आ रहा हूं। तो यार हम लोग हैं मड फोर्ट के पास, और वो सामने जो है उधर वो है फोर्ट। और वैसे तो इसका रास्ता आगे से घूम के है, जाने का है आगे से घूम के, लेकिन फयाज ने बोला कि ऐसे समुंदर के बीच में से होते हुए एडवेंचर ज़्यादा होगा। पूंछ को क्या मिला है, शिवलिंग दिखाओ। फयाज को मिला, फयाज ने मुझे दिखाया। हाँ, क्या बात है, हम जो समुद्र किनारे किनारे जा रहे हैं आप देख रहे हो, ये समुद्र है और इसके किनारे से हम होते हुए वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर ना बहुत सारा ऐसा सामान पड़ा हुआ है, लाइक सीप वीप तो आते ही आपको पता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं अलग अलग टाइप की। तो वैसे अभी ढूंढने का टाइम नहीं है, लेकिन बहुत जिन लोगों को ऐसी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक है ना समुद्र से जो आई होती है छुटर पुटर, तो उनके लिए बड़ी सही जगह है। यहाँ पर बहुत सारे सामान बिखरा पड़ा है नीचे, और समुद्र की जो हवा चल रही है ना उसकी वजह से मेरे जो ये लंबे लंबे बाल हैं ना बहुत परेशानी कर रहे हैं मुझे। अरे यार गाना है जुगनू का, यहाँ पे जुगनू गाना बनाना है। जुगनू गाना बनाना है मतलब? हाँ। तुम लोगों ने, ये लोग एक्चुअली रील बनाने की तैयारी करके आए ना। हाँ। आज ये सोच रहे हैं जुगनू गाने में रील बनाएंगे या फिर जुगनू गाने की रील बनाएंगे। और यहाँ से हमको चढ़ना है वो वाले उधर और वहाँ से ऊपर को जाएंगे। रोहित क्या हुआ, रोहित अलग डर में है, स्लिप कर रहा है उसका जूता ना, जान है तो जहान है। चलो अरे रहने दो, मैं पहले ही बोला था। क्यों थक रहे हो, हम ऊपर चढ़ गए हैं फिलहाल तो यहाँ। गोल मुंबई दिख रहा है, गोल मुंबई दिख रहा है, होल मुंबई भी दिख रहा है और गोल मुंबई भी दिख रहा है। गाइस बचपन में हम लोग, याद है आपको ये जो कांटे होते थे, देखो ये फेंक फेंक के लोगों के चिपकाते थे, बहुत दिनों के बाद यहाँ पर दिखे हैं। देख रहा है। चिपक गया। मुझे मत फेंकना, मैं फोटो खींचूंगा। तो यहाँ से देखो क्या लग रही है मुंबई, फिल्मों में दिखाते हैं ना यहाँ से नीचे गिर गया खाई में, यही सब जगह यूज होती है।
हम लोग जा कहाँ कहाँ रहेंगे? पेड़ कैसे गिरा हुआ देखना। तो गाइस ये भी एक कोना है मठ का, यहाँ साईं बाबा की मूर्ति है लगी हुई, ये देखिए। सबका मालिक एक। और क्यों थक रही हो? अरे तो अच्छी चीजों के लिए ऐसे ही होता है, खूबसूरत जगह जाना है तो फिर तो ऐसे कांटे झेलने ही पड़ेंगे तुम्हें। अच्छी खूबसूरत चीज है ना हमारे गांव। अरे यार क्या पीछे फोर्ट आ रहा है। तो गाइस ये सामने जो है ये है मठ फोर्ट, यहीं ऊपर जाते हैं लोग घूमने के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पुरानी जगह है। और इसके नीचे ये खूबसूरत सा जो नज़ारा आप देख रहे हो ये है मुंबई। मुंबई मेरी जान। ये जो मैं बोल रहा हूँ पीछे पीछे ये गूंज बोल रही है यार, ये क्या है? व्हाट इज दिस? गड़बड़े से सेलिब्रेशन गोइंग ऑन। और यहाँ से पानी ऐसा लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ मेरे बाल को क्या है यार ये। मुझे हेयर बैंड लेके आना चाहिए था, लंबे बाल का भी अपनी यार अच्छे भी लगते हैं तो उतनी परेशानी भी है। ऐसी जगह पर आके ना अक्सर लोगों के अंदर की फोटोग्राफर ये सब जी मॉडल फोटोग्राफर जाग जाता है, मैंने देखा है। देखो ये यहाँ चालू होगी, इसके अंदर का फोटोग्राफर इसके अंदर का मॉडल यहाँ जाग चुका है और ये लग चुके है। रोहित वेट कर रहा है अपनी टर्न का, सोच रहा है बेचारा मेरा नंबर कब आएगा। वो देखो वो वहां से चिल्ला रही है मेरे को स्लोमो बनाना, स्लोमो बनाना है क्या? इधर भैया पकड़ रहे हैं मछलियां। मछली मिली कोई? पर दोनों हेलमेट का दामोदर दिया गया है हमारे सेनापति रोहित नेगी को। अगर बाई चांस तुम गिर गए तो हेलमेट रख लेना नीचे, उससे तुम्हारी सेफ्टी भी रहेगी। एक हेलमेट पहन लो ना, मैं तो बोल रहा हूँ रोहित। अरे यहाँ के पत्थर आप देखो कुछ तो अलग है, वो वाइड वाइड सा पता नहीं क्या पैटर्न टाइप का बना हुआ है पूरे पत्थरों में। ये देखो ये देखो मुझे एक शंख मिला, दिखने में बहुत ही प्यारा है। बस ये अगर ये टूटा नहीं होता ना तो मैं इसको पक्का ले आता घर को। ये टूट गया, इसका कलर देखो कितना प्यारा है। इसके अंदर ना घोंगे भी रहते हैं कई बार, अंदर कीड़े वगैरह रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा। बहुत ही प्यारा कलर है। चलो तो गाइस रोहित आ रहा है यहाँ से और गूंज और फयाज पहले ही पहुँच गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं दुनिया का अंत। भाई यहाँ पर पकड़ रहे हैं मछली, कितनी फंसी भाई? फंसी कोई मछली की नहीं अभी, नई नई तैयारी हो रही लग रहा है। जगह इतनी अच्छी है तो एक स्लोमो तो इधर बनता है, क्या बोलते हो पब्लिक? इसको देखो ये कहाँ बैठा हुआ है व्लॉग के चक्कर, वो अपना रील बनाने के चक्कर में यहाँ बैठा हुआ है। गूंज इसको मना करो यार। अरे रोहित तुम्हारे पीछे केकड़ा है। रोहित केकड़ा केकड़ा पीछे उधर से आया। अरे वो पीछे। यहाँ पर बैठ के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मेरे पीछे वो दोनों बंदे जो हैं रील बना रहे हैं और फयाज और मैं प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। इस साइड बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादातर फिशिंग के लिए जिन लोगों का शौक है वो लोग आते हैं। और बहुत ही बढ़िया जगह है, आपको एकांत में बैठ के अगर सुकून चाहिए ना तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे फेस पता चल रहा है ना कितनी हवा चल रही है, और अल्टीमेट जगह। और गाइस इस जहाँ ये लोग बैठे हैं यहाँ का भी एक टॉप है, मैं आपको ये टॉप दिखाऊँ। इस टॉप गाइस ये मैं आ गया हूँ टॉप पे, यहाँ से दिख रहा है देखो पूरा। गाइस अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपको समुद्र का पानी अलग अलग कलर में आएगा। लाइक आप इधर का कलर देखो तो ब्लू है, फिर बीच में ग्रीन आ रहा है, और यहाँ पर जो है मटमैला कलर है। आप उधर ब्लू
ऐसा नहीं कि ये कलर ऐसा है कि सिर्फ लाइट की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो गाइस इस जगह पे बैठे हुए हमको हो गए कम से कम 2 से 3 घंटे। ये थक गया बेचारा, वो दोनों अभी भी लगे पड़े हैं रील बनाने में। और मैं तो एक बार नीचे मुंह धोने गया था समुद्र में यहीं पे, ये देखो ये समुद्र था नीचे, यहाँ पर गया, यहाँ चोट भी लग गई, गिर गया। एक तो मैंने पहनी है चप्पल, चप्पल पहन के आया था, और नीचे हो रही रपटन बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा करा, हाथ वाथ में लग गई है। खैर अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसको बोलते हैं गोल्डन आवर, यानी जब सूरज डूबता है या सूरज उग रहा होता है तो वो जो लाइट आती है उस टाइम पे इसको बोला जाता है गोल्डन आवर। और इस टाइम पे लाइट सबसे प्यारी होती है शूट वूट करने के लिए, कोई भी आप शूट करते हैं सबसे प्यारी होती है। तो कभी भी आप आए तो इस टाइम पे शूट करें, फोटोग्राफ बहुत अच्छी आती हैं। यहाँ देखो यहाँ चल रहा रील की प्रैक्टिस। तो गाइज ये है गोल्डन आवर, और देखो यहाँ पर सूरज डूब रहा है अभी बादलों के पीछे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है टाइम पे, और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो यार गाइस अब शाम हो गई है और सबको लगी है बहुत तेजी भूख, तो सोच रहे हैं अब निकला जाए घर को, कुछ खाया जाएगा। आज हमने दिन में पता है कुछ खाया ही नहीं इसके चक्कर में, मैं तो घर से निकल गया था और अब भूख लग रही है मेरे को बहुत ज्यादा। गूंज ये मुझे दे दो, हेलमेट गिरोगी। तो एक बार फिर आखिरी बार इस जगह को बाय बाय कह दिया जाए, बहुत प्यारी जगह थी। क्या रोहित मजा आया ना? और गाइस मड फोर्ट के ही जस्ट बगल में है ये मंदिर, शिव जी का मंदिर है, और बहुत ही अच्छी लोकेशन में है, देख रहे हो इधर खुली हवा समुद्र और इधर मंदिर, वाह बहुत ही बढ़िया। शाम के साथ साथ यहाँ पर लोग भी बढ़ते जाते हैं, बाइकें लोग सब बढ़ते जा रहे हैं, सबकी बाइकें ऐसे खड़ी है, सिर्फ मेरी बाइक है जो ऐसे खड़ी है तिरछी। क्या लग रहा भानगढ़ का किला टाइप। तो गाइस जैसे आए थे वैसे ही वापस भी जाना होगा, और हमने अपनी बाइक को फेरी में रख लिया है, और फेरी से अब हम दूसरी तरफ जाके उतरेंगे और फिर वहाँ से बाइक में बैठ के निकलेंगे। और ये दूसरी फेरी उस तरफ से इस तरफ आ रही है, ये देखिए कितनी भीड़ है। तो यार मड में हम लोगों ने मज़ा तो बहुत किया, इन्जॉय बहुत किया, लोकेशन बहुत प्यारी थी, सब लोगों ने वहाँ रील्स वगैरह बनाई, इन्जॉय किया, चिल किया, मतलब बैठ के अच्छा लगा, है ना, सुकून था उस जगह पर। आप में से जो भी लोग मुंबई में रहते हैं तो अगर मड फोर्ट नहीं गए हैं उस तरफ तो जरूर जाइए, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, और जहाँ पर हम गए थे वो लोकेशन पर जाइए, वो बहुत अच्छी लोकेशन है। बाकी मैं बीच में आपको पता ही है कि जब मुंह धोने के लिए गया था पानी के पास तो वहाँ पर पत्थर पे थोड़ा सा काई वगैरह हो रही थी और उसमें मेरा पैर रपट गया था जिससे थोड़ा बहुत चोट आई थी मुझे, लेकिन ठीक है उतनी नहीं आई, लेकिन फिर भी गलती थी, सावधानी वहाँ पर बरतनी चाहिए थी क्योंकि ऐसी जगह पर खासकर तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुल मिला के वहाँ मज़ा बहुत आया। तो अब हो गया जाने का टाइम, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।